अस्सलाम वालेकुम माय इंस्टा फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले मैंने अपनी फेस वॉश की यहाँ पे रिकमेंडेशन दे दी है वाइटनिंग के लिए। उसके बाद मुझे ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इनके साथ मैं फेस ब्लीच रेडी करूँगी घर पे। हमने बाहर से फेस ब्लीच नहीं लेनी, उसके अंदर बहुत ही हार्श केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक एग वाइट ले लिया। एग वाइट के अंदर बहुत सारे विटामिंस और प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, जो आपकी स्किन को इंस्टेंट एक लिफ्टिंग इफेक्ट देते हैं, वाइटर इफेक्ट देते हैं और आपके पोर्स को श्रिंक इफेक्ट देते हैं। तो एग वाइट आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो एग वाइट को हम विस्क करने के बाद इसके अंदर हम हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो हनी ऐड कर लेंगे। हनी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश और हाइड्रेट कर देता है। उसके बाद हम लेमन डालेंगे। लेमन के अंदर नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं क्योंकि ये एक सिट्रिक एसिड है, और जो हमारा बेकिंग सोडा है वो भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइटनिंग और ग्लोइंग इफेक्ट देने में हमारी हेल्प करता है। तो इसके अंदर मैंने 2 लेमन डाल दी हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप हाफ लेमन डालें, सेंसिटिव स्किन वाले बिल्कुल हाफ लेमन डालेंगे, और जो बेकिंग सोडा है वो भी 1 चुटकी डालेंगे सेंसिटिव स्किन वाले, ठीक है। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना आए। तो ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देगा, आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देगा। आपने कहीं जाना है तो आपका 15 मिनट में पूरा एक तरह का फेशियल हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के राइस फ्लावर के डाल देंगे। राइस फ्लावर तो आपकी स्किन के लिए लाइक हेवन है, सबसे अच्छी चीज़ है चावल का आटा आपकी स्किन के लिए। ये आपकी स्किन को वाइट करता है, ये आपके एक्नी स्कार्स को ख़त्म करता है, पिगमेंटेशन को, डलनेस को, आपके चेहरे पे जो भी पिंपल के मार्क्स वगैरह हैं, कुछ भी है आपके स्किन पे, तो ये उनको रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है और आपकी स्किन को एक हेल्दी स्किन बना देता है, ठीक है जी। इसके बाद हम इसको फेस पे अप्लाई करेंगे। आपने फेस फ्रेशली वॉश कर लेना है। मैंने फेस वॉश आपको स्टार्ट में ही बता दिया था आपने कौन सा यूज़ करना है। अगर आपने वो नहीं यूज़ करना, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्लीन एंड क्लियर का जो ऑरेंज वाला और येलो वाला फेस वॉश है, दोनों वो दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसको मैंने 10 मिनट के बाद हल्के हाथों से मसाज कर लेना है। ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट भी कर देगा, ये मास्क भी है, ये ब्लीच भी है, ये ऑल इन वन पैक है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। एज़ जैसे कोरोना है तो हम लोग सैलॉन्स वगैरह में नहीं जा सकते, तो ये बिल्कुल आपकी स्किन को वही इफ़ेक्ट देगा जो एक महंगा तरीन फेशियल आपकी स्किन को इफ़ेक्ट देता है। तो आप यहाँ पर मेरी स्किन देख रहे हैं, कोई भी एडिटिंग नहीं है, ये रॉ तस्वीर है। उसके बाद यहाँ पे मैं निर्वाना बोटॉनिक्स का विटामिन सी प्लस ई सीरम लगा रही हूँ। अगर आपको ये ख़रीदना है तो इनके साथ मेरा कोड है जिससे आपको एक अच्छा सा डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अंदर नायसिनमाइड है, रेटिनॉल है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं ये अंडर आई कॉफ़ी सीरम लगा रही हूँ। आप आलमंड ऑयल भी लगा सकते हैं और आप विटामिन ई ऑयल भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फेस को जो है वो ग्वाशा से मसाज कर रही हूँ। जो ग्वाशा है वो आपकी स्किन से रिंकल्स को हटाता है, आपकी जो जॉ लाइन है उसको डिफाइन कर देता है, और आपकी जो फाइन लाइंस वगैरह हैं उनको कम करने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद ये मैं निर्वाना बोटॉनिक्स का ही वाइटनिंग सीरम लगा रही हूँ। ये सीरम बहुत अच्छा है, इसमें कॉजिक एसिड है। मैं अपना जो कोड है वो मेंशन कर दूँगी, उससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद मैं MK कॉस्मेटिक्स की जो है वो एज मेडिकल क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 25+ हैं तो आपको एज मेडिकल क्रीम यूज़ करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, इस जो हमारा मास्क था, जो मैंने ब्लीचिंग मास्क बताया है, वो आप हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच।